दो तीन बार, दो तीन चीजों के लिए कि हैंडलूम की बात थी, ये पश्मीना की बात, ये पश्मीना के लिए भी मैंने कहा था वहां पे बहुत से एरिया में देखा यहाँ पे। तो ये जो स्किल है, ये स्किल को अगर इंटरनेट माने इसको सरफेस करना है या इसको पॉपुलर करना है, तो इसी तरह के माने जो हमारे नई पीढ़ी है, नए पीढ़ी को भी इसमें लाना चाहिए। और उसके लिए वो डिजाइनिंग है, फैशन है, मॉडर्न है, और लोगों के माने आप देखिए कि यहाँ पे शाल तो यहाँ पे जो है कश्मीरी शाल के नाम से जाना जाता है, तो वहां से आपने आरी है या सुरंगी से, आरी से हम लोग ये करते हैं। लेकिन मान लीजिए उसी में अगर हम थोड़ा सा नया डिजाइन लाते हैं, नया फैशन लाते हैं, तो मुझे लगता है कि 200 रुपए की चीज 12 रुपए में बिकेगी। और यही चाहते हैं कि वैल्यू एडिशन जो करते हैं, जो ट्रेडिशन है उसी में हमारा रोजगार है, उससे तो हम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई इशू नहीं होता। तो इसके लिए ये जानकारी देने के लिए हम इस तरह के प्रोग्राम में हम मदद करते हैं। और जहाँ तक नबार्ड का सवाल आता है, नबार्ड हम करीबन यहाँ पे रियासत में स्टेट गवर्नमेंट को हम रोड बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, या हेल्थ सेंटर बनाने के लिए, या इरीगेशन के लिए करीबन पैसा देते हैं। और हमने इस रियासत में करीबन 4000 तीसरा जो होता है कि रोजगार के अवसर किस तरह से पैदा किया जाए। और अगर रोजगार होता है तो उन्नति होती है, तरक्की होती है, खुशहाली होती है, घर में हमारा जिस प्रकार फैमिली को मदद कर सकते हैं, हम उस फैमिली को मदद करने के लिए यही हमारे पास स्किल होना चाहिए। और यही स्किल डेवलप करने के लिए इस तरह का प्रोग्राम हम डेवलप करते हैं। आप फैशन के अनुसार फैशन की तरह से आप उसका डिजाइन बनाते हैं, अगर हमें बहुत खुशी होगी कि एक फाउंडेशन आपको तो मदद करता है, हमारे तरीके से बहुत से मदद करते हैं। इस तरह का एक ये ग्रुप है हमारे पास जो आ जाया है फैशन डिजाइन में, ये सबसे